लालू जी ने कहा था पढ़ो या मरो, और हम इसलिए सड़क पर उतरे हैं कि हम इन सत्ताधारियों और इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि अब यह बहुजन तबका, अब यह गरीब तबका आपकी गुलामी नहीं करेगा, अब यह आपके जूते नहीं सिएगा, अब यह आपकी नालियां साफ नहीं करेगा, अब यह आपके बचे हुए शरीर के चीथड़ों को जलाएगा नहीं। हम अपने हक को समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं इनसे लड़ने के लिए। ये संसद में बैठे हैं, इनको इनका इसका इस बात का गुमान है, इस गुमान को हमें तोड़ना है, इसलिए हम सड़क पर खड़े हैं अपनी आवाज को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जब इसी जेएनयू से वृंदा करात निकलती है, निर्मला सीतारमन निकलती है, तब जेएनयू बहुत ही इनके लिए नाज का फक्र का बात होता है, लेकिन वही जब आजाद लड़कियां अपना आवाज बुलंद करती है, आगे बढ़ती है अपने हक के लिए, जब उनको नोचा जाता है, घसीटा जाता है, इस पुलिस के द्वारा मारा जाता है, तब उन लड़कियों को वैश्य कहा जाता है, क्योंकि ये आधी आबादी किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं है। हम अडिग हैं, हम हमारी हड्डियां टूटी हैं साथी, हमारा हौसला नहीं टूटा है। हम यहाँ पर खड़े हैं इसलिए क्योंकि हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। आप बताइए, हम क्या मांग रहे थे? हम तो उनसे शिक्षा मांगने गए थे ना, वो बात कटा धारा 144 की। कौन सा धारा 144 जब आप संविधान के ऊपर नंगा नाच कर रहे हैं? हम गरीबों को शिक्षा से रोक रहे हैं, हमें पढ़ने से रोक रहे हैं। शिक्षा ही तो मांगने गए थे हम लोग, उसके लिए हमें पीटा गया। लड़कियों को, महिला जो हमारी प्रोटेस्टर साथी थी, उनको गलत तरीके से छुआ गया। और आप न्याय की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप आरक्षण पर अटैक कर रहे हैं। इससे जो भागवत जी कहते हैं आरक्षण की समीक्षा करेंगे, आप अपने पार्टी के लोगों की समीक्षा क्यों नहीं करते जो बलात्कार में लिप्त हैं? हम पर समीक्षा करेंगे, हमारे आरक्षण की समीक्षा करेंगे। जेएनयू का यह इतिहास रहा है कि जब भी संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला हुआ है, यहाँ से पहली उंगली उठाई गई है। ये डरते हैं हमारी आवाज से, ये उस आवाज को दबा देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ उठती है, ये उस उंगली को काट देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ खड़ी होती है, इस पैरों को ये तोड़ दे करके अपने कदमों में गिरा देना चाहता है। आज पूरा भारत इनको दंडवत प्रणाम कर रहा है, लेकिन जेएनयू इनके सामने सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि ये हमारी रिवायत है, हम कभी किसी के सामने झुके नहीं है। और जब भी बताइए, कौन सा सब्सिडी, कौन सा टैक्स का बात करते हैं? तनिक से लाज शर्म नहीं है इनको। सब्सिडी टैक्स, जब आप 3300 करोड़ का मूर्ति बनाते हैं, 130 करोड़ का दिया जलाते हैं, इतना सब्सिडी दे रहे नेताओं को, MPML को, प्राइवेट जेट हो रहा, तब टैक्स नहीं जाता है। और इनकी ओछी मानसिकता तब सामने आती है जब पढ़ाने की बात आती है, क्योंकि जान रहे हैं ना जेएनयू में कौन सा तबका पढ़ रहा है। ये वो बहुजन तबका है, ये वो महिलाएं हैं, ये वो गरीब के बच्चे हैं, जिनको इन्होंने 5000 वर्षों से दबा करके रखा था। इनको डर है, जो लोग कभी इनके नीचे इनके हुक्मों को सुना करते थे या